बड़ी खबर देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन के आखिरी दिन मुस्लिम धर्मगुरु महमूद अरशद मदनी ने बयान पर बवाल मच गया है और अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों की घर वापसी और मुसलमानों को हिंदू बताना जाहिल जैसा है। अरशद मदनी ने मनु और ओम एक बता दिया। मदनी के बयान पर मंच पर बैठे दूसरे धर्मगुरुओं ने उनका विरोध किया। जैन मुनि लोकेश मंच से नीचे आ गए, उनके साथ और भी जो साधु संत थे वो भी नीचे आ गए। उनको मनाने की कोशिश हुई लेकिन वो नहीं माने क्योंकि मदनी ने बयान दिया और इस बयान से सहमत नहीं हुए जैन मुनि और उनके साथ जो दूसरे और धर्मगुरु थे वो नीचे उतर गए मंच पर। देखिए जरा तस्वीरें। इस भारत की धरती के ऊपर उतरा, हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे न ब्रह्मा थे न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते,